पिछले साल विधानसभा चुनावों में तेलंगाना की सत्ता गंवाने के बाद भारत राष्ट्र समिति बड़े संकट से जूझ रही है। लोकसभा चुनावों में शून्य पर सिमटी बीआरएस बिखर रही है। बीआरएस कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अब तक 16 विधायक गंवा चुकी है। इनमें से 10 विधानसभा के सदस्य शामिल है। ये सभी पिछले साल के आखिर में हुए चुनावों में जीते थे। ऐसे में तेलंगाना में चर्चा शुरू हो गई, क्या बीआरएस खत्म हो जाएगी या फिर बीजेपी के साथ आकर अपने अस्तित्व को बचाएगी। राज्य में पहली बार सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस अभी 10 विधायक अपने पाले में शामिल कर चुकी है। इसके बाद सदन में कांग्रेस का संख्याबल 64 से बढ़कर 75 हो गया है। एक सीट कांग्रेस ने उपचुनाव में जीती थी, जो बीआरएस की महिला विधायक के निधन से खाली हुई थी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार के बीच चर्चा है। राज्य में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए बीजेपी और बीआरएस एक साथ आ सकते हैं। इसमें बीआरएस के बीजेपी के विलय होने की भी चर्चाएं चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी और बीआरएस के मर्जर की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। तेलंगाना में क्षेत्र राज करने वाले पूर्व सीएम केसीआर एक साथ कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। उनकी बेटी के कविता दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में जेल में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीआरएस लगातार कमजोर हो रही है। केसीआर के प्रचार के बाद भी पार्टी लोकसभा में शून्य पर सिमट गई थी। सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस लगातार विधायकों को और नेताओं को अपने पाले में कर रही है। ऐसे में बीआरएस के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। इसके अलावा बीआरएस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह यह है कि राज्य की राजनीति दो ध्रुव हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लोगों को शिफ्ट होने से त्रिकोण की गुंजाइश पिछले कुछ महीनों से घट गई है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीआरएस कांग्रेस से लड़ने के लिए बीजेपी से हाथ मिला सकती है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी ने 8-8 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 40.10% वोट मिले थे, बीजेपी को 35.08% वोट मिले थे। अगर बीआरएस के 16.68% वोट बीजेपी में जोड़ दिए होते तो वे कांग्रेस से आगे निकल जाती। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चुनावों में 3.02% वोट मिले थे। जो नेता बीआरएस के बीजेपी में विलय के पक्षधर है वो यही दलील दे रहे हैं, दोनों दल मिलकर कांग्रेस को पीछे छोड़ सकते हैं। पिछले दिनों जब केसीआर के बेटे केटीआर पार्टी छोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग के साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे थे, तो उन्होंने सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिया था और कहा था कि संविधान बचाने की दुहाई देने वाले दल बदलने का आने वाले विधायकों की पीठ थपथपा रहे हैं। बीआरएस के विधायकों में मची भगदड़ ने केसीआर की चिंता बढ़ा दी। पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 39 सीटें जीती थी। एक महिला विधायक की सड़क हादसे में मौत के बाद 10 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में पार्टी के कुल विधायकों की संख्या अब 28 रह गई है। आने वाले दिनों में कुछ और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें लगातार लग रही है। लोकसभा चुनावों में पार्टी को 16.68% वोटों पर नुकसान हुआ था। कांग्रेस, बीजेपी और AIMIM के वोट बैंक में वृद्धि हुई थी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि तेलंगाना राज्य के लिए लड़े केसीआर कैसे कांग्रेस से अपनी पार्टी को बचाते हैं। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस के दो बड़े नेता ईडी की रडार पर हैं। ईडी के इस तगड़े एक्शन से 10 जनपद पर बैठी सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुश्किलों में घिर चुके हैं। ईडी की जांच की आंच 10 जनपद तक पहुंच सकती है, क्योंकि 1400 करोड़ का घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने किया है, जिसके तार कांग्रेस आलाकमान तक भी पहुंच रहे हैं। ईडी की जांच की रफ्तार बता रही है कि इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय गांधी परिवार पर भी शिकंजा कस सकती है। फिलहाल राहुल गांधी ईडी को लेकर फिर से चिल्लाने लगे हैं, क्योंकि देश में कहीं भी ईडी एक्शन लेती है तो सबसे पहले राहुल गांधी ही हल्ला काटते हैं। ईडी जब भी कांग्रेस के किसी नेता पर भ्रष्टाचार को लेकर शिकंजा कसती है तो दर्द राहुल गांधी को होता है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चोकर के आवास पर बीते दिनों ईडी ने रेड डाली थी, लेकिन अब हरियाणा के ही एक और कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकाने पर दबिश दी गई है। ईडी ने गुरुवार को रावदान सिंह के बहादुरगढ़ में कंपनी पर रेड डाली और यहां पर करीब 15 घंटे तक जांच की। कांग्रेस के 4 बार के विधायक रावदान सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं।
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। गुरुवार रात 10 बजे के करीब यहां से ईडी की टीम निकली। हालांकि गुरुग्राम में रावदान के ठिकाने पर अभी भी रेड चल रही है। 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और ईडी यहां पर डटी हुई है। जानकारी के अनुसार ईडी ने 1400 करोड़ से अधिक के घोटाले में रावदान सिंह के 15 ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी कंपनी में जांच के लिए पहुंचे थे और बाद में रात को कंपनी के बैंक खातों से संबंधित रिकॉर्ड साथ लेकर चले गए। बता दें कि वर्ष 2022 में 392 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने एफआईआर की थी। बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था। यह कंपनी विधायक रावदान सिंह के बेटे अक्षय सिंह और उनके परिवार से जुड़ी बताई जा रही है। उधर गुरुग्राम में अब भी रावदान सिंह के ठिकाने पर जांच जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी ईडी की टीम घर पर ही मौजूद है। गुरुग्राम के सेक्टर 17 स्थित रावदान सिंह के आवास पर उनकी पत्नी और पुत्र वधु मौजूद हैं। गुरुवार सुबह 7 बजे ईडी यहां पहुंची थी। बता दें कि हरियाणा के 2 कांग्रेस विधायक इस समय ईडी की रडार पर हैं। ये दोनों विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी में हैं। इससे पहले कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह चोखर के घर पर भी ईडी ने रेड डाली थी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस नेता धर्म सिंह चोखर के मामले में 31 जुलाई को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि गुरुग्राम में 1500 फ्लैट से जुड़ा यह मामला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। राष्ट्रपति ने पंजाब सरकार की मनमानियों पर रोक लगाते हुए एक विधेयक को वापिस लौटा दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी कानून संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने बिना मंजूरी के ही पंजाब सरकार को वापस भेज दिया। यह बिल पिछले साल 21 जून को पंजाब विधानसभा में पास किया गया था। बिल के तहत राज्य के 11 विश्वविद्यालयों के कुलपति शक्ति राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री को दी गई थी। याद रहे कि यह विधेयक तब पारित किया गया था जब पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित व मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई थी। पंजाब सरकार के इस विधेयक को बदलाखोरी की राजनीति बताया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया। सदन में पारित बिल के लिए सरकार ने पंजाबी यूनिवर्सिटी एक्ट 1961, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर एक्ट 1959, गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 2019, गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लो पंजाब एक्ट 2020, आईके गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्ट 1996, शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2021, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक्ट 1998, गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब एक्ट 2009, महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट 2019 और गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के सेक्शन 9 में संशोधन किया था। कुलाधिपतियों के रूप में मुख्यमंत्री इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कर सकते थे। फिलहाल सरकार की इस मंशा पर पानी फिर गया है। नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वह विधानसभा द्वारा पारित लंबित विधेयकों को शीघ्र अपनी अनुमति दे। इसके जवाब में राज्यपाल ने कहा था कि यह उनके सक्रिय विचार के अधीन है और कानून के अनुसार और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए शीघ्र उचित निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रपति के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने राज्यपाल को हटाकर मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर बनाने के आप सरकार के कदम को असंवैधानिक बताया। वेरका ने कहा कि राष्ट्रपति ने सही फैसला लिया है। यह बिल सदन में सर्वसम्मति से पास किया गया था। इसके बाद बिल राज्यपाल के पास गए थे। हालांकि इसके बाद राज्यपाल द्वारा जून 2023 के सत्र को साफ रूप से अवैध घोषित कर दिया था। उसके बाद काफी समय तक यह बिल लंबित रहे थे। फिर इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उक्त सत्र को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और राज्यपाल को उस सत्र के दौरान पारित 4 बिलों पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था। गत साल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच गतिरोध हुआ था। उसके बाद पंजाब विधानसभा द्वारा यह विधेयक पारित किया गया था।
खैर आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकान और रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा, जिससे किसी कांवड़िए को कोई भ्रम न हो। इसी बीच यूपी पुलिस के इस फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या हिंदुओं का बेचा गया मीट दाल चावल बन जाएगा। कोई पवन खेड़ा से पूछे कि ये और इनके सहयोगी लोग बस अर्ध सत्य और छिपे हुए झूठ का सहारा लेकर जनता को भ्रमित क्यों करते हैं। किसी व्यक्ति की असली पहचान छुपाना कानूनन गलत है या सही है, इसे पहले जालसाजी कहा जाता था, पर अब ये लोग इसे सही सिद्ध करने पर क्यों लगे हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य की पुलिस ने आदेश जारी किया है, जिसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर भड़कते हुए कहा कि क्या हिंदुओं का बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कांवड़ यात्रा के रूट पर फल सब्जी विक्रेताओं व रेस्टोरेंट ढाबा मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम लिखना आवश्यक होगा। यह मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट की दिशा में उठाया गया कदम है या दलितों के आर्थिक बायकॉट का, या दोनों का, हमें नहीं मालूम। जो लोग यह तय करना चाहते थे कि कौन क्या खाएगा, अब वो यह भी तय करेंगे कि कौन किससे क्या खरीदेगा। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा, जब इस बात का विरोध किया गया तो कहते हैं कि जब ढाबों के बोर्ड पर हलाल लिखा जाता है तब तो आप विरोध नहीं करते। इसका जवाब यह है कि जब किसी होटल के बोर्ड पर शुद्ध शाकाहारी भी लिखा होता है तब भी हम होटल के मालिक रसोइये वेटर का नाम नहीं पूछते। किसी रेहड़ी या ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी, झटका, हलाल या कोसर लिखा होने से खाने वाले को अपनी पसंद का भोजन चुनने में सहायता मिलती है, लेकिन ढाबा मालिक का नाम लिखने से किसे क्या लाभ होगा। भारत के बड़े मीट एक्सपोर्टर हिंदू है, क्या हिंदुओं का बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है। ठीक वैसे ही क्या किसी अलताप या रसीद के बेचे गए आम अमरूद गोश्त तो नहीं बन जाएंगे। दरअसल 18 जुलाई को मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग के संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी भोजनालयों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने मालिकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया। इस निर्देश का उद्देश्य धार्मिक जुलूस के दौरान भ्रम से बचना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसको लेकर पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर यूपी सरकार पर हमला किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर ट्वीट कर कहा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिनके नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह हैं, उनके नाम से क्या पता चलेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मनसा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में लिखित आदेश जारी करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि लगता है सीएम योगी में हिटलर की आत्मा समा गई है। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण आदेश करार दिया और आरोप लगाया कि यह दर्शाता है कि सरकार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी हो गई है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे आज उससे विपरीत हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ दिया है, जिसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती बल्कि सीधा सरकार बनाती है। जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में जमानत जब्त पार्टी बन गई है। दिल्ली से भी लोगों ने इन्हें उखाड़ दिया है। पंजाब में भी उन्हें मनमर्जी नतीजे नहीं मिले हैं। हरियाणा में भी इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था जो बुरी तरह हार गया। अनिल विज ने आगे कहा, आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज हो गई है। जिन मुद्दों को लेकर ये लड़े थे आज वो सब उल्टा हो रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं। वे जेल से बाहर न आए इसलिए उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया है।
जिस पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा है कि उनके बाहर आना या न आना कोर्ट पर निर्भर करता है, और अगर उन्हें जमानत नहीं मिल रही है इसका मतलब है कि केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत है। वहीं दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल बुरे फंसे हुए हैं, वह अभी भी न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली। अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से 2 से अधिक वर्चुअल मीटिंग की मांग की थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभी अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से 2 बार मुलाकात कर सकते हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और तिहाड़ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का कड़ा विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में इन दिनों कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने एक बयान में कहा है कि हरियाणा सरकार घोषणावीर बन रही है, काम 54 का और गिनवा 10 का रही है। जिस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने दीपेंद्र हुड्डा से सवाल करते हुए कहा है कि वे बताएं, क्या सिर्फ 25% लोगों को ही पेंशन मिल रही है या 25% लोगों तक ही सेवाएं पहुंच रही है। अनिल विज ने कहा, भाजपा के राज में एक एक पैसा खाते में जाता है और कांग्रेस के राज में ये ऊपर से अगर 100 रुपए आते थे तो नीचे तक 15 रह जाते थे। ये कांग्रेस का आज़ादी के बाद बनाया हुआ सिस्टम था जिसे भाजपा ने बदला, और इसी बात की कांग्रेस को तकलीफ है क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को लखनऊ की कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। मौर्य की बेटी और पूर्व सांसद संगमित्रा मौर्य को भी कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके शादी करने के मामले में दीपक कुमार सोनकार ने संगमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और साजिश रचने का परिवाद दर्ज करवाया था। जानकारी के अनुसार पूर्व भाजपा सांसद संगमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 लोगों के खिलाफ लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने धारा 82 के तहत आदेश जारी किया है। MP MLA कोर्ट ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी दीपक कुमार सोनकार और भाजपा की पूर्व सांसद संगमित्रा मौर्य से संबंधित विवादित प्रकरणों में पिता पुत्री समेत 3 आरोपियों को 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी इसी मामले को लेकर MP MLA कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अदालत ने मौर्य को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, आपको वापस MP MLA कोर्ट ही जाना होगा। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत बिल्कुल नहीं मिली। वहीं वादी दीपक कुमार की तरफ से उनके अधिवक्ता रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें अति शीघ्र ही न्याय मिलेगा। वादी दीपक कुमार के अनुसार साल 2016 में वह बदायूं की सांसद संगमित्रा मौर्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इसकी जानकारी स्वामी प्रसाद मौर्य को भी थी। दीपक का कहना है कि संगमित्रा और उनके पिता ने मुझे बताया था कि पहले विवाह से उनका तलाक हो चुका है। इसके बाद मैंने 3 जनवरी 2019 को संगमित्रा मौर्य से उनके घर पर ही शादी कर ली, लेकिन संगमित्रा अभी शादी को नकार रही हैं। पिता भी उनका साथ दे रहे हैं, वह धमका रहे हैं। दीपक कुमार का आरोप है कि शादी की बात उजागर ना हो जाए इसलिए मुझ पर जानलेवा हमला कराया गया। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य UP के कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। वहीं उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य बदायूं से BJP के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं। इस बार BJP ने संगमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया था।